ताश के चार बादशाह में चौथा क्यों है बिना मूंछ का? ताश के पत्ते हुकुम, चिड़ी, ईंट और लाल पान के बादशाह, जिसमें लाल पान के बादशाह के पास मूंछें नहीं है। जी हाँ, दरअसल पहले चारों बादशाह के पास मूंछें थी, लेकिन एक बार इन कार्ड्स को फिर से डिजाइन किया गया तो डिजाइनर से एक भूल हो गई और उसने एक राजा का मूंछ बनाना भूल गया। लेकिन इस गलती को सुधारा नहीं गया, क्योंकि जिस राजा की तस्वीर बनी थी दरअसल वो फ्रांसिस शर्लीमैन थे, जो बहुत ही खूबसूरत और आकर्षित हुआ करते थे, जिसके वजह से उनको बाकी राजाओं से अलग दिखाया गया। कहा जाता है कि ताश के 52 पत्तों में चार किंग कार्ड्स इतिहास के कुछ महान राजाओं के बारे में बताते हैं। पहला, लाल पान का बादशाह। इसके पत्ते पर फ्रांस के राजा शर्लीमैन की तस्वीर है, जो रोमन साम्राज्य के पहले राजा थे। दूसरा, कुंभ का बादशाह। इसके पत्ते पर किंग डेविड की तस्वीर है, जो प्राचीन काल में इसराइल के किंग थे। तीसरा, चिरी के बादशाह। इसके पत्ते पर मेसेडोनिया के किंग सिकंदर महान की तस्वीर है, जो सिर्फ 12 साल की उम्र में एक बिगड़ैल घोड़े पर काबू कर लिया था। सिकंदर अपनी मौत तक हर उस जमीन को जीत चुका था जिसकी जानकारी प्राचीन ग्रीक के लोगों की थी, इसलिए उनको विश्व विजेता भी कहा जाता है। चौथा, ईंट का बादशाह। इस पत्ते पर रोमन किंग सेजर अगस्तस हैं। इन्हें रोमन साम्राज्य को नियंत्रित करने वाला पहला रोमन सम्राट कहा जाता है। ताश के पत्तों में 17वीं शताब्दी में बाउस परिवार द्वारा तैयार किए गए ताश लाइन ऑफ द सीड दुनिया के सबसे दुर्लभ पत्ते माने जाते हैं और इसकी कीमत थी 2000 पाउंड से भी ज्यादा। ताश में सबसे अहम होता है इसे पीसना और फेंकना। विश्व में सबसे अधिक दूरी तक ताश का पत्ता केवल सेंट ऑर्ग नाम के व्यक्ति ने फेंक कर विश्व रिकॉर्ड कायम किया था। सो गाइस, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।